मोदी की गारंटी मुफ्त अनाज की, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की, गरीबों की इलाज की 5 लाख तक मोदी की। और परिवार बाद और तुष्टिकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग, मोदी की गारंटी इज्जत घर बनाने की, मोदी की गारंटी हर गांव गांव बिजली पहुंचाने की, सड़क बनाने की, और मोदी की गारंटी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाने की, मोदी की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे क्या लोकतंत्र को बचाएंगे, और वहीं उनका ये भी कहना है कि वो लोग संविधान के बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। सर, लोकतंत्र बचाने के लिए कल इंडी गठबंधन के द्वारा रैली की गई है, कैसे देख रहे हैं? रुक के सर, कर बना रहा है। कुर्सियां भी खाली रखी गई हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और हेमंत सोरेन के लिए। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे? संविधान का मतलब समझते हैं? लोकतंत्र का मतलब समझते हैं? वहां सिर्फ परिवारवाद है, और परिवार बाद और तुष्टिकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टिकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे? जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव गांव घर घर कोने कोने पहुंच रही है। और आज लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन लोग को न संविधान समझ में आता है, न लोकतंत्र समझ में आता है। ये लोग संविधान की धजिया उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। मोदी की गारंटी मतलब इस देश से 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लोग आ गए, मोदी की गारंटी है जिससे गरीबी मिट रही है। मोदी की गारंटी मुफ्त अनाज की, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की, गरीबों की इलाज की 5 लाख तक, मोदी की गारंटी किसानों को सही MSP पर खरीदगी की गारंटी, मोदी की गारंटी आत्म भारत निर्भर की गारंटी, मोदी की गारंटी रोजगार देने की गारंटी, मोदी की गारंटी सीमा की सुरक्षा की गारंटी, देश में शांति व्यवस्था की गारंटी, मोदी की गारंटी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और उसको ऊंचाई देने की गारंटी। उनके पास क्या गारंटी? उनके पास तो भ्रष्टाचार की गारंटी है इंडी गठबंधन वाले के पास, उनके पास तो लोकतंत्र की हत्या करने की गारंटी है, अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार कर अरबों खरबों रुपया गरीबों के हक की मारी कर लूट लेने की है, उनके पास क्या है? लालू प्रसाद यादव जो है अपनी मोदी की गारंटी गरीबों को घर देने की, मोदी की गारंटी इज्जत घर बनाने की, मोदी की गारंटी हर गांव गांव बिजली पहुंचाने की, सड़क बनाने की, और मोदी की गारंटी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाने की, मोदी की गारंटी राफेल खरीदने की, मोदी की गारंटी कि अगर जरूरत पड़ा तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की, मोदी की गारंटी मतलब भव्य मंदिर का निर्माण, मोदी की गारंटी मतलब 370 धारा को समाप्त करना, मोदी की गारंटी यह है कि इस देश के लिए और इस देशवासियों के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको करने की गारंटी। लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटी को लोकसभा मैदान में उतार रहे हैं, तिवारी और लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटी को मैदान में उतार रहे हैं, चुनावी मैदान। देखिए, वो परिवारवाद की पार्टी है, और आप देखे होंगे कि दो ही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्य हैं, उनके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटियां हैं, खुद रहे हैं, माननीय राबड़ी जी रही हैं, और न जाने कौन कौन जो जो चाहे सब उनको, उनकी तो परिवार की पार्टी ही है, परिवारवादी पार्टी है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है?
वो तो परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और परिवार के लिए ही जीते हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जनता जब रूठ जाएगी तो मोदी जी हाथ मलते रह जाओगे। जनता मोदी जी से जुड़ती है, इस देशवासियों के मन में मोदी जी हैं और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के मन में हैं। ये लोग इकट्ठे होकर भ्रष्टाचारी लोग परिवारवादी क्या करेंगे, जनता इकट्ठी होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार करने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना, नित्यानंद राय से जब पत्रकारों के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटियों को इस बार चुनावी मैदान में खड़े करवाने वाले हैं, तो इस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनका तो पार्टी ही परिवारवाद वाली पार्टी है और वो सिर्फ परिवार वालों को ही इसमें लाएंगे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।